अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट खुरम शहजाद। आज हम बनाएंगे भिंडी गोश्त रेसिपी। भिंडी गोश्त बनाने के लिए भिंडी हमारे पास है 1 किलो, चिकन आधा किलो, घी हमारे पास है 500 ग्राम, हल्दी आधा चम्मच, नमक 1 चम्मच, सुरख मिर्च आधा चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, बड़े साइज़ की प्याज 3 अदद बारीक कटी हुई, टमाटर 3 अदद, सब्ज मिर्च 4 से 5 अदद। सबसे पहले कढ़ाई में घी डालेंगे। घी को अच्छी तरह गरम करेंगे और फिर इसमें भिंडी को फ्राई करेंगे। घी गरम हो चुका है, अब इसमें भिंडी फ्राई करेंगे। आधी भिंडी हमने अब फ्राई करनी है और आधी बाद में करेंगे। भिंडी में चम्मच को बार बार नहीं चलाना, इस तरह भिंडी टूट जाएगी। भिंडी फ्राई हो चुकी है, अब इसको लैदा बर्तन में निकालेंगे। अब इसमें बाकी भिंडी शामिल करेंगे। भिंडी को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। याद रहे कि चम्मच बार बार इसमें नहीं हिलाना, इससे भिंडी टूट जाती है। भिंडी फ्राई हो चुकी है, अब इसको निकालेंगे। भिंडी को हमने आधा फ्राई करना है, आधा इसको दोबारा पकाएंगे। भिंडी फ्राई करने के बाद अब इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसमें शामिल करेंगे मसाले। नमक शामिल करेंगे, हल्दी, सुरख मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, सुरख मिर्च, सब्ज मिर्च और ग्रैंड किया हुआ टमाटर इसमें शामिल करेंगे। सब चीजों को मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। मसाला तैयार है, अब इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन को अच्छी तरह मसाले में भूनेंगे। चिकन हमारा भून चुका है, अब इसका ढक्कन 5 मिनट के लिए बंद कर देंगे और आंच इसकी स्लो कर देंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह गल जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसका ढक्कन उठाएंगे। ये देखिए चिकन हमारा गल चुका है। अब इसमें भिंडी शामिल करेंगे। भिंडी को अच्छे से मिक्स करेंगे।
5 मिनट के लिए इसको दम पे लगाएंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, इसका ढक्कन उठाएंगे। माशाल्लाह ये देखे भिंडी हमारी बिल्कुल तैयार है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब इसको डिश आउट करेंगे। मज़ेदार भिंडी गोश्त तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो को फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। खुरम शहजाद को दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।